सभी से हाथ जोड़ के नहीं बदले, मेरे गांव वालों से और जो मेरे थोड़े बहुत दूर के ऐसे कुछ रिश्तेदार हैं, तो ऐसे कमेंट और ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि हमारे पास आती है बातें, मतलब महीने में, डेढ़ महीने में, 10 दिन में 15 दिन में हमारे पास लौट के आती है। वो तो क्या है, मतलब बताने वाला है ना, नाम नहीं बताता कि कौन कह रहा है, कौन नहीं कह रहा, क्योंकि कहने वाले को पता होता है। जैसे गाँव में कुछ बातें हो रही है तो मेरे से आके गाँव वाला, और गाँव वाले को अच्छे से पता है कि अगर मेरे को पता लग गया तो क्या कर दूंगा मैं। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आरएस जावर ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? तो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग, और आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ अलग, जो कि मतलब ऐसे, मतलब डेली जो लाइफ होती है वो वैसा ब्लॉग नहीं होने वाला। आज का ब्लॉग में कुछ बातें होगी जो मतलब आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। बटन जुड़ लेता हूँ, तो हमारी कोई पर्सनल बातें हैं, मतलब जो लोग कहते रहते हैं हमारे बारे में, तो वो बातें हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो यार ना, पहली बात ये है कि मतलब बहुत सारे, जैसे मैं बाहर जाता हूँ ना, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो एक तो वो बोलते रहते हैं मेरे से, वो बोलते हैं कि यार, मतलब हंस के बोलते हैं थोड़ा अलग ही लेवल पे, कि यार ताकि को बुरा भी लगे और वो कह भी दे कि यार तुम लोग ये क्या बनाते रहते हो, ये इधर से उधर उधर ये कर रहे हो, कर रहे हैं, इधर घूमने जा रहे हैं, क्या बनाते रहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बनाने का रीजन एक ही है कि मतलब मेरे को खुशी होती है कुल मिला के ये है, और जो हमारी डेली लाइफ है वो हम शेयर करते हैं। अब यार वो आप लोगों के ऊपर है, देखो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो देखो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। और क्योंकि जबरदस्ती नहीं है कोई, हाँ। कोई जबरदस्ती नहीं है कि देखो, हाँ। सही आप, क्योंकि हमको अच्छा लगता है, क्योंकि पहले हमको अच्छा लगता है, पहले ही डायरी लिखते थे, और हमको है ना आने वाले टाइम पे भी यूँ होगा कि यहाँ के हम हमारे पुराने लाइफ में, पुराने टाइम में कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या किया, क्या नहीं किया, अभी भी तो हम देख सकते हैं। मैं मतलब जो पर्सनल मेरी लाइफ की कुछ चीजें होती थी ना, मैं डायरी पे लिखता था, और अभी मेरी दो डायरी भरी हुई है, तो उसके बाद ये मैं अभी शादी वादी कर ली, तो अब ब्लॉग बनाने लग गया। तो ब्लॉग से क्या है, मतलब डायरी लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। और सबसे मेन रीजन तो ये है, देखो किसी को कोई दिखाने का ऐसा नहीं है, देखो अगर डाल रहे पब्लिक कर रहे तो सब देखेंगे भी सही, कोई दिक्कत नहीं, और कोई किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो बोलेगा भी सही कि क्या बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे। इसका मेन जो है ना कोई ऐसा मतलब सीरियस नहीं रहते इन बातों को कोई माइंड नहीं करते गए हाँ भाई हमको बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है लेकिन कहने वाले कहते हैं बहुत सारे तो उनके लिए सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि हम जो ये वीडियो बनाते हैं ना तो इनको अगर 4 साल बाद 5 साल बाद या 10 साल बाद भी देखेंगे ना तो इन दिनों को हम वापिस से जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए ये मेन बनाने का ये है, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप कुछ भी सोचो, हंसो, मजा बनाओ, कुछ भी बनाओ, ऐसा कुछ ही नहीं है कि मतलब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ फेमस होने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी डेली लाइफ है, इसको हम 10 साल बाद में 20 साल तो हमारी किस्मत है, अगर बाय चांस अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत कर रहे हैं, अगर मेहनत करते हैं तो रंग लाएगी सही, और सब चीज के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तो अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है। और नीचे ला तो दिक्कत नहीं, नीचे ला तो कम से कम ये जो लाइफ है ना, इसको हम 5 साल बाद 10 साल बाद देखेंगे तो सही ना, कम से कम देख के इन चीजों को याद कर सकते हैं, इस लाइफ को याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, और घर को हमारे बच्चों के तो उनको भी दिखा सकते हैं, उनको भी दिखा सकते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी थी, स्ट्रगल, क्योंकि हमारी कोई शादी तो हुई नहीं, कोई हमारा प्री वेडिंग शूट या फिर हमारा फोटोग्राफी वगैरह तो हुआ नहीं, तो ये सब दिखा देंगे कि हाँ हम कैसे रहते थे, कैसे हमने फेस किया है, इतना सारी प्रॉब्लम्स। इसलिए हम इन चीजों को कैद करते हैं, और अच्छा लगता है हमें कैद करना, बाकी आने वाले टाइम पे हम जो भी है, मतलब फ्यूचर क्या बोलते हैं, आज जो भी आने वाला फ्यूचर है ना, उस टाइम पे इन चीजों को, इन दिनों को, इन लम्हों को हम वापस से 10 साल बाद 15 साल बाद वापस से देख सके और एंजॉय कर सके, बस यही है। और दूसरा था गाइस, बहुत सारे हैं जो मतलब लेडीज भी है, बॉयज भी होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन वो बहुत सारे हैं जो मेरी ड्रेस पे, मेरे कपड़ों पे कमेंट करते हैं, मेरी लाइफ स्टाइल पे कमेंट करते हैं। यहाँ की नहीं है, बूंदी वाली है, मतलब ज्यादा ये जो बात है मेरे गांव की, मेरे गांव की और हमारे रिश्तेदार की है। और मेरे को ये भी पता है कि ये हमारे जो रिश्तेदार है वो भी ये वीडियो देखते हैं और देखेंगे, और गांव के हैं, देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, और गांव के जो भी बहुत सारे देखते हैं और देखेंगे भी है, सॉरी, और देखेंगे भी सही, इसलिए ये चीज हम बोल रहे हैं। बाकी हमें पता है कमेंट में नहीं करते, पर बहुत सारे मतलब बोलते हैं तो आके हमसे बोल देते, मेरे से बोलते हैं, पर बस दुर्भाग्य बात यह है कि कोई नाम नहीं बताता कि वो बोल रहा था, क्योंकि उनको सबको पता है कि गांव में एक तो फिर लड़ाई झगड़े हो जाए, तो अब बाकी ये बताएगी। और जो भी है बहुत सारे कहते हैं, जैसे मैं गांव में सूट पहनती हूँ, मेरे ससुर जी के सामने, पूरी फैमिली के सामने, इनके इनके जितने भी है मेरे इन-लॉज, उनके सबके सामने मैं सूट वगैरह पहनती हूँ, कभी भी साड़ी, जरूरी नहीं कि मैं साड़ी पहनूं, मैं साड़ी तो और बल्कि मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो फिर सभी गाँव की जो लेडीज होती है, बूढ़ी जवान, सब कमेंट करती है कि अब ये तो बहू है, बहू के हिसाब से रहना चाहिए, इसको सूट नहीं पहनना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए, या फिर लेगा लुगड़ी पहनना चाहिए। एक मिनट, तो यार मेरे को एक चीज बता दो, गांव का ऐसा कौन सा नियम है, या फिर ऐसी कौन सी किताब है जिसमें लिखा हो कि बहू को मतलब घाघरा लुगड़ी पहनना चाहिए?
देखिए यार जो पुराना टाइम था ना वो तो गया, ठीक है ना, अपनी प्रेरणा भी चाहिए, जो हमारी अपनी जो संस्कृति है ना, संस्कृति है उसको लेके भी चलना चाहिए और उसको लेके भी चलते हैं। पर यार एनी टाइम तो नहीं होता ना कि देख कि एक अपना जो गांव का रीति रिवाज है ना वो थोड़ा अलग है और ये है ना, मतलब सिटी से इसने गाँव देख, मैंने शादी की उससे पहले इसने गाँव गाँव में आना जाना, गाँव के जो भी चलन है जो भी इसने बिल्कुल भी नहीं तो देखा था, नहीं इसने मतलब ट्राई किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्स्ट बार जब मेरे से शादी करके घर पे गई ना तब से ये इस चीजें देखने लगी है। तो ये बहुत सी बात पहनती भी है, पर किसी को अपन देख के मतलब वो है ना कि मतलब तोड़ से निकल सकते हैं। मेरा ये मानना है कि लेडीज को सब तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ए टू जेड सब तरह के, जींस साड़ी सूट एवरीथिंग सब कुछ, और ये सब पहनती है। इसके ऊपर कोई ऐसा भी नहीं है इसके ऊपर कि तू सूट वूट मत पहन, और ऐसा भी नहीं कि तू साड़ी वाड़ी मत पहन, साड़ी पहन कुछ भी नहीं है, मतलब पहना है इसके जो भी है। और एक मेरा वो मानना है, जैसे अधिकतर गांव में जो होता है ना, गांव में अधिकतर ये चीजें होती है कि जैसे कोई लड़की है 18 से 20 साल की या 22 साल की है और वो शादी करके नए नए घर पे आएगी ना, तो उसको जो वहां की औरतें होती है ना, जैसे सासू हो गई, ननद हो गई, जेठानी, काकी, सास, जो भी गांव में होती है, तो बड़ी बड़ी लेडीज है ना, उसको मतलब जैसे साड़ी पहनना ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें सिखाएगी, और उससे मतलब मतलब क्या बोलते हैं, मेरे को इतना इंग्लिश का हो गया था, मतलब उससे ऐसी वो रखेगी कि मतलब ऐसे रहे, बहू की तरह रहे। अब यार अगर कोई लेडीज बेचारी कोई लड़की है शादी करके नई नई आ रही है, क्या उसकी उम्र भी क्या होती है 20-22 साल की उम्र, और उससे अगर मतलब एक समझदार बहू वाली वो रखे ना, तो अधिकतर वैसे रिश्ते खराब होते हैं। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए घर पे ऐसी रहती है, मेरे पापा जो है इसको बेटी की तरह रखते हैं। और वैसे साड़ी पहनने वाली भी है ना आपको मार सकती है, आपने गाली निकाल सकती है, और जींस पहनने वाली भी आपकी सेवा कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं कपड़ों पे जज निकलना चाहिए किसी भी लेडीज को, क्योंकि जो कपड़े जैसे होते हैं वैसा इंसान नहीं होता। देखो मेरा ये है, जैसे देख मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा, और अपने गांव के पहनावे में मैं कोई मतलब ये भी नहीं उठा रहा कुछ भी। देखिए सबका अलग अलग है, पर अगर देखा जाए तो वैसे जो है संस्कृति का जो पहनावा वो भी अच्छा है। पहनती हूँ साड़ी भी पहनती हूँ जब मैं इच्छा होती है, यहाँ पे बूंदी में पहनती हूँ कभी कभी, गांव में तो हमें कभी ना कभी शादी वगैरह में जाता, अब साड़ी भी पहनती हूँ। अब देखा जाए तो मेरा लेकिन मैं घूंघट बिल्कुल नहीं लेती। देखा जाए तो मेरा मानना ये है कि मान लो जैसे अपन घाघरा चोली जो भी पहनते साड़ी, तो उसमें पेट तो दिखता है ना, दिखता रहता है। तो अगर ये सूट पहन रही है तो उसमें तो कुछ भी नहीं दिखता भाई, ये ओनली हाथ दिखते हैं और क्या दिख रहा है ना, और जो सिर है सिर में चुनी डाल लेती है तो ओनली चेहरा चेहरा दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं है घूंघट ले, ठीक है ना, नहीं लेती यार, मेरे पापा बेटी की तरह रखते। तो मैं मेरी जो गाँव की लेडीज है उनसे ये बात कहूंगा भाई, ऐसे फालतू मत बोला करो, अगर तुम लोगों को बोल रहा हूँ तो घर पे आके मेरे से बोलो, हमारे सामने बोलो, ताकि आपको जो, और फिर अगर आपको इतना हुआ है ना कि यार ऐसे दे रही है ऐसे पहन रही है, तो भैया आपकी जो है ना जो घर पे बहू आए या फिर आपके जो आपके घर पे ध्यान रखो आप, है ना, ध्यान रखो, हाँ अपनी बेटियों में ध्यान रखो, हमारे और हम, एक और जो करती हूं, मैं आती हूं, मैं करती हूं, एक्टिंग करती हूं, तो देखने वाले उनके ना बहुत सारे बोलते हैं, उनके परिवार वीडियो देखते भी गांव के रिश्तेदार वगैरह। मेरे गांव की लेडीज ने चाची से जाके बोला था कि तुम्हारी वो उसकी हुए वो तो जाने गया, वो तो नाचती रहती है मोबाइलों। अरे भाई एक चीज बताओ, ये वीडियो है घर पे बना रही है, तुम लोग नहीं नाचते क्या, ब्याह शादी में नहीं नाचते क्या, कहीं प्रोग्राम पे जाते तुम लोग नहीं नाचते, नाचते हो ना, तो क्यों वो मतलब वो तुम्हारा नाचना तो नाचना है यार, अगर इधर कोई किसी का फैशन है वो नाच के अगर वीडियो बना के पब्लिक कर दे, पब्लिक यू है भाई, ठीक है यूट्यूब में पब्लिक कर, तो भाई तुम भी पब्लिक के सामने नाचते हो ना कि अकेले भी नाचते हो, तो मतलब तुम्हारा तो सही है, इसलिए इन चीजों पे कमेंट मत किया करो, अगर करना हो तो मेरे साथ के बोलो फिर। ये मत किया करो, फिर अगर किसी दिन मेरे को लग गया तो यार एक बात है, तो यार एक बात और थी ना, मतलब बहुत सारे मतलब हमारे जो रिश्तेदार भी है, हालांकि बस यही है कि नाम नहीं आते ऐसे, मतलब मेरे पापा और कोई ऐसे मतलब हंसते हंसते बोल जाते ऐसी बातें, और गांव के बहुत सारे वही मतलब अधिकतर जो ये बातें आ रही है ना, अदरवाइज कोई नहीं कहता, रिश्तेदार और गांव वाले, ठीक है नहीं कहते। तो भाई मेरा तो ये है कि अगर गांव वाले, ठीक है गांव वालों के लिए बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो भाई हम कैसे रह रहे कैसे नहीं रह रहे, एक लेती है नहीं लेती, और ये पहनती है नहीं पहनती, तो इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ये हम जाने, आपके जो घर पे बहू आए उनको अच्छे से आप घूंघट यहाँ तक घूंघट पहनाओ, अच्छा दूसरी बात है बिना कपड़ों के तो घूम रहे ना, कपड़े अच्छे से पहने, ठीक है एक पहनते वैसे कपड़े पहने, तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पापा को प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम, रही बात अगर तुम लोगों की सोचता मैं, है ना, ऐसे वो ये चीज के लिए बोल रहा हूँ, रिश्तेदारों के लिए भी बोल रहा हूँ और गाँव वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, और रिश्तेदारों की सोचता ना तो उसी काट में शादी नहीं करता, इसलिए मेरे को तुम लोगों से कोई कोई ऐसा नहीं है, तुम्हारी बातों का मेरे को ज्यादा तुम इतना
जाया करो कि हम क्या रह रहे, कैसे रह रहे, कैसे नहीं रह रहे, क्या पहन रहे, क्या नहीं पहन रहे, इतना लोड मत लिया करो, तुम तुम्हारे इसमें ध्यान रखो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो नहीं तो तुम गांव वालों देने नहीं, कोई रिश्तेदार देने आएगा, सच बताऊंगे तो, ठीक है ना। जो भी करना है हमें करना है, मेहनत करना है, हमें खाना है, आप लोग नहीं आओगे ये मेरे को पता है, क्योंकि जब बुरा टाइम था तब भी मैंने गांव वालों को भी देखा, रिश्तेदारों को भी देखा, किसी ने बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। सभी की घर की कहानी, सब में कोई नहीं देने आता ना, तो रिश्तेदार देने आते हैं ना, परिवार वाले देने आते, कोई नहीं देने आता, सब बातें कर रहे हैं। बुरे टाइम में मैंने कोई रिश्तेदार साथ देने नहीं आया, मेरे पता मेरे पापा बेचारे अकेले रहते थे, मेरी मम्मी एक्सपायर होने के बाद है ना, मतलब खाना बना के खाना होता था, अभी मैं बताऊं यहां पे रहते तो मेरे को जॉब करनी होती, ठीक है ना, तो अभी भी मेरे पापा मतलब वही हाथों से खाना, गांव वाला तो बना देने नहीं आ रहा, तो नहीं तो खाना बना के देने आएगा, नहीं रिश्तेदार देने आएंगे। जो भी करना है हम लोगों को करना है, हमें रहना है, तो भैया तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तो और है ना, खाना बनाने वाली बात से भी एक बात याद आई कि बहुत सारे किसने बोला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं कि वहाँ ससुर जी अकेले खाना बनाते हैं, अकेले हाथों से खाना खाते हैं, और आप दोनों यहाँ बहू और बेटे यहाँ रहते हो, गांव नहीं जाते हेल्प करने के लिए, तो इनको और मेरे ससुर जी को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं यहाँ सिटी में बूंदी में रहती हूँ, अपनी लाइफ जी रही हूँ, और वहाँ मेरे ससुर जी अकेले हाथों से खाना बना रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ यहाँ मजदूर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे, इसलिए मैं नहीं रह सकती, इस वजह से मतलब यहाँ पे रह रहे हैं। और दूसरी बात करते हैं बातें, मेरे पापा को पता है कि वहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने खुद ने रख रखा है, जो है मेरे पास घर, और जैसे मेरी इनको सब है कि हमारे घर पे क्या प्रॉब्लम, इसलिए गाँव की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर की कोई हम कैसे कर सकते, सभी से हाथ जोड़ के नहीं बंधने, मेरे गांव वालों से और जो मेरे थोड़े बहुत दूर के ऐसे कुछ रिश्तेदार है, तो ऐसे कमेंट और ऐसी बातें मत क्या करो, क्योंकि हमारे पास आती है बातें, मतलब महीने में, डेढ़ महीने में, दस दिन में, पंद्रह दिन में हमारे पास लौट के आती है, वो तो क्या है, मतलब बताने वाला है ना, नाम नहीं बताता कि कौन कह रहा है, कौन नहीं कह रहा, क्योंकि कहने वाले को पता होता है, जैसे गांव में कुछ बातें हो रही है तो मेरे से आके गांव वाला कहता है, और गांव वाले को अच्छे से पता है कि अगर मेरे को पता लग गया तो क्या कर दूंगा मैं, ठीक है, इसलिए मैं कोई नाम नहीं बताता। इतना सब पंचायत करने से कोई हमको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने ना तो आज दिन तक बंद किया है और ना ही करेंगे, और आप करे जाओ बातें को, तो एक हमारा मैसेज आप लोगों के, अगर आप समझो तो, और नहीं समझोगे तो आपकी चॉइस, लोगों से मैं कोई लेना देना है भी नहीं, देख मेरी बात सुनना, सीधा सिंपल सा फंडा है, फालतू करो, और एक सीधा सिंपल सा मेरी लाइफ का फंडा है, मतलब किसी भी गांव वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और रही बात रिश्तेदारों की, तो मेरा रिश्तेदारों से भी कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, रिश्तेदारों में खास खास है, जैसे मेरी बुआ जी वगैरह हुई है ना, तो मतलब ऐसे है मेरे जो खास खास रिश्तेदार है, तो एक दो तो मेरे को उनसे लेना देना है, बाकी मेरे को कोई रिश्तेदारों से भी लेना देना नहीं है, मेरे को अच्छे से पता है कि बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार, अभी क्या ही बोलूंगा, किसी रिश्तेदार ने है ना थोड़ा सा मतलब साथ भी नहीं दिया, हेल्प भी नहीं दी, हेल्प भी नहीं दी, हमारी इतनी बुरी कंडीशन, मतलब इतनी बुरी सिचुएशन खराब हुई थी ना अभी 3 साल तक है ना, अगर थोड़ा सा कोई है ना, मतलब थोड़े थोड़े करके जो 2-4 रिश्तेदार, अभी नहीं बोलना चाहूंगा मेरे, जैसे मेरी मम्मी और क्या बोलूं यार, बहुत सारे मतलब पैसे वाले, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दें तो शायद हमारी जमीन गिरवी वगैरह नहीं रखती, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो गई थी, लेकिन अभी भगवान के ऊपर वाली कृपा से सब कुछ अच्छा है, तो मतलब इन चीजों को देख के मैं है ना, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमारी जो है हमारा कमा के हम खाएंगे भाई, आप लोगों से हमें कोई मतलब, और गांव वालों से मेरे कोई मतलब नहीं है, तो है ना ऐसे फालतू की बातें मत क्या करो, ये हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, और जो हमारी लव स्टोरी है, लव स्टोरी का पार्ट जस्ट इसके अगली वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में जस्ट आने वाला है, क्योंकि बहुत सारों का कमेंट आ गया कि आपकी लव स्टोरी के बारे में बताओ, तो बहुत जल्दी लव स्टोरी आने वाली है, क्योंकि अब तक लेकिन इसके लग गई थी, अब जाके थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत, तो या तो ये जो वीडियो डलेगा इसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट वीडियो में का पार्ट आ जाएगा, तो जरूर देखें, 2K का वेट था और 2K फाइनल हो चुके हैं, तो बस का है, हमको भी इंतजार है और आपको भी इंतजार है कि हम कब हमें शेयर करेंगे, और हम जरूर करेंगे, तो आप एक्साइट रहिए उसके लिए, दिखाएंगे आपको। अरे यार थोड़ा आपसे भी बहुत सारी बातें सुनने में, मतलब गांव से कोई रिश्तेदारों से ऐसे कहते हैं, तो यार थोड़ा आपसे तो यार माइंड है ना खराब हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब कोई तो क्या बोल रहा है, क्या कोई क्या बोल रहा है, तुम तुम्हारी लाइफ में मस्त हो यार, हम हमारी लाइफ में मस्त है, कोई ऐसे तो नहीं है ना, और फिर क्या एक हो जाती है तुम, तो पहले ये मैसेज हम आपको दे दे, इसलिए हमने सोचा कि बाद में लव स्टोरी शेयर करेंगे। हाँ। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बातें करने वाले तो बहुत कम है और सपोर्ट करने वाले बहुत ज्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।